Assalamualaikum, welcome to Shebi Said Podcast. My guest is today Fezi. आप लोग सुन के तो यार बड़ा हैरान हो गए, इस वजह से मैं आज बुलाया हूँ अपने गेस्ट फेजी को। और आप लोगों ने काफ़ी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि फेजी को बुलाएं और शहबाज को। शहबाज भाई किसी काम की वजह से आ नहीं सके, तो आज के हमारे गेस्ट हैं फेजी। थ्री टू वन फैजी, क्या हो गया? मैराथन लगा है, हाँ बचपन में हम खेलते थे ऐसे, जैसे 3 2 1 गो। भाई इंट्रोड्यूस करवाओ ढंग से, जैसे कि नाज़रीन मेरी कोई बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं है। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई हमारे DM पे, और मुझे स्पेशली मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यार फैजी भाई आपकी स्टोरी जाननी है कि गरीब को पता है वो गरीब है और अमीर को पता है वो अमीर है। गरीब खा लेगा, गरीब को पता है रात में उसे दाल नहीं खाना, अमीर को पता है वो खा लेगा, कुजिन खा लेगा, या नहीं मिला तो वो दाल चावल ही खा लेगा। लेकिन जो गरीब अमीर से गरीब बनते हैं ना, उनकी जो स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। खूबसूरत भी होती है, उनके लिए एक सबक भी होता है, क्योंकि उनको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ऐसी चीज़ें गुजारी अपनी ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत है और मैं लड़ा हूँ उन चीज़ों से। अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हम लोगों को हमारे पॉडकास्ट पे। शुएब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब भाई ने आपने हमें दोबारा बुलाया। और मैं आज जो भी हूँ मैं आप लोगों की बता देता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो शुएब भाई आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपके पास क्या क्या DM में मैसेजेस आए मेरे हवाले से? इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ ही ना, भैंस की टांग। अच्छा मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, ये एक घंटे का जो पॉडकास्ट आपने रखा है, मैं अगर शाहरुख खान भी हो ना तो कोई एक घंटा मुझे देखेगा नहीं, ठीक है? और अपने पास कोई शाहरुख खान की डायरी भी नहीं है, वो आपने एक फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की जिसमें ओम शांति ओम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वो खाली किताब लेके बस लड़की को दीपिका पटोकोन को पटाने के चक्कर में लगा रहेगा, ठीक है? तो जो हमारी जो यूथ है वो यही समझती कि बस यूट्यूब पर आ गए, बात करना जानते हैं, हो गया। ऐसा नहीं होता, सही बात है, ये एक बहुत सैड रियलिटी है कि बस अभी धड़ाधड़ ब्लॉगर्स बन रहे हैं, धड़ाधड़ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यूट्यूब पर, किसी के पास कंटेंट नहीं है। आपने जो माशाल्लाह कंटेंट उठाया है वो शायरी के हवाले से, तो उस चीज़ों से अगर किसी ने नॉलेज हासिल की है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लोगों को पता चला कि हाँ यार हमारे माशरे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और रही बात, देखें इंसान किसी से सीखता नहीं, इंसान अपने आप से सीखता है, और सीखने के लिए कोई मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप मुझे नहीं सिखा सकते। तो गलतियों, इंसान गलती का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है और सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। जैसे अब शायरी की अगर हम बात कर लेते हैं, शायरी की जो एक मसला है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं शायरी से, तो मैं एक यूथ से, आपसे नहीं, मैं अपने यूथ से ही बात कहना चाहता हूँ कि ये 2 लाइन कैप्शन के स्टोरी के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देना, पोस्ट पे वीडियोस पे 2 लाइन के कैप्शन लिख देना, ये शायरी का रियल मकसद नहीं। शायरी इज़ ऑल अबाउट योर आंसर, आपके जवाब उस पर छुपे में, सोचो और ढूंढो उन जवाब को। और यकीन नहीं करेंगे आप शेख भाई, हमारी यूथ को वो जवाब मिल सकते हैं इन सवाल, इन शायरियों में, इन गज़लों में, कि जो जवाब आपको और मुझे अपने टाइम पे नहीं मिले, ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी शायरी की सिलेक्शन, अच्छी शायरी की सिलेक्शन के लिए आपको इलामा इकबाल को पढ़ना, आपको खालिद को पढ़ना है, आपने एलिया साहब को पढ़ना है, ठीक है? और ऐसे बहुत मशहूर शायर हैं, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अभी एक दो शायर को पढ़ा है, हाफिज़ तहजीब साहब है, बहुत ज़बरदस्त शायर, बहुत ज़बरदस्त। और जो मुझे मेरे फेवरेट हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका इंतकाल हो गया, तो राहत इंदौरी साहब, इंडिया के हैं वो और काफ़ी मशहूर शायर, उनके जो कहने का अंदाज़ था ना, उनका एक शायर है जो मेरे दिल से बहुत करीब है, जो मेरी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से जानती है, उनका एक शायर इस तरीके से के खिलाफ है। आप टून को समझिएगा कि वो किस लेवल से किस लेवल पे आ रहे हैं। घर खिलाफ है तो जाने दो, जान थोड़ी है, यानी घर खिलाफ है वो हाई लेवल पे है ना, गुस्से में कह रहे हैं तो जाने दो, नॉर्मल सी बात हो जी जी। और जान थोड़ी है मतलब कॉमन सी बात है कि यार वो आपकी जान नहीं है। तो कहते हैं इस तरीके से, घर खिलाफ है तो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब खुला दुआ है, आसमान थोड़ी है। आप खुद सोचें कि यार अब इस शायर से ना हमें मोटिवेशंस मिलती हैं जी, कि
कि आपको अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं, आपको बैकलैश करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बैकआउट करेंगे, आपके पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, आपके पीछे स्निचिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यूट्यूब बैक में आइए तो आपको ये पता कि आपके पीछे कितने लोग हैं जो आपको पीछे खींचने के लगे रहते हैं, वो हो जाता है। अब इन चीज़ों से निकल के ना एक हीरो बनता है, ठीक है। अब हीरो इस तरीके से नहीं बनता, अब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हम जो हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, अब मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हायर लोअर मीडियम तबके की बात नहीं कर रहा, टोटली मिडिल क्लास तबके की बात कर रहा हूँ। तो एक हायर तबका होता है, एक लोअर तबका होता है और एक मिडिल क्लास तबका होता है। मिडिल क्लास तबका जो होता है ना, वो हमारा बहुत सिंपल और बहुत सिंपलिटी से, यानी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। क्यों मेहनत कर रहे होते हैं? हमारे जो लौंडे हैं और जो लौंडियाँ जितनी भी हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं, लौंडे और लड़कियों को गलत मतलब ना समझे कोई, क्योंकि लौंडे और लौंडियाँ एक पुराने कदीम ज़माने की खालिस उर्दू में आता है ये, ठीक है। और जिसको सीस उर्दू सफ़ीस और बहुत शफाफ उर्दू अगर जो समझ में आती है वो समझ जाएंगे कि लौंडे और लौंडियाँ किसे कहते थे। तो लौंडे जो है हमारे यूथ के, वो रात में नुक्कड़ पे ढाबे पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब भी देखते हैं। ख्वाब देखने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनके साथ वही टेंशन लगती है कि यार बिजली का बिल दे रहा है, गैस के बिल की टेंशन होती है, घर पे सबने खाना खाया उसकी नहीं टेंशन है, बहनों की टेंशन होती है, भाइयों की टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन है, फिर एक नया चीज़ जुड़ गया हमारे माशरे में कि एक लड़की की टेंशन है। नहीं, ये एक फैक्ट है यार, हंसने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, जुड़ गई, ठीक है। और वो ख्वाब इसी तरीके से फिर टूटती भी हैं, ठीक है। और इसी से जो खेल के निकलता है ना, वो एक हीरो बनता है। सारा गेम इसी का शुरू है, सारा गेम इसी का। और मेरी कोई इतनी बड़ी जर्नी नहीं है, बहुत छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे वाले साहब को भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जी जी जी, उन्होंने बहुत मेहनत से तबियत की है मेरी, और बहुत कुछ खोया है मैंने। अभी जो मेरे पास है वो मेरे बुज़ुर्गों की दुआ है, कुछ दोस्त हैं मेरे साथ में जो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सॉरी आपको मैंने रोका, आपने खोया क्या चीज, आप मुझे जरा वो बता दें। देखो पहली बात तो ये कि आपने कार्ड तो दी, मेरी बात आपने कार्ड दी, उसके लिए माजरत क्या करना आपको, आपने कार्ड दी, आपको भैंस की टांग पहले बोलना चाहिए था कि यार मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नहीं आपने काटने से पहले बोल दिया मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसके लिए माजरत, आपने काट दिया बात। खैर आप अपना सवाल करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने क्या चीज खोया वो जानना चाहते हैं मेरे यूट्यूब की फैमिली ज्यादातर। देखें खोने को इंसान बहुत कुछ खोता है, ठीक है। कोई पैसा खो देता है, कोई मोबाइल, जैसे कराची के हालात चल रहे हैं तो अभी रात में मोबाइल लेकर बटन लगता है, मोबाइल खो देता है बंदा, चल जाता है आपका मोबाइल, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ खोई है ना, वो कोई गैर नहीं है और ना ही वो किसी से मोहब्बत थी। मोहब्बत का अलग ही चैप्टर है, हर किसी का अपना एक मायार होता है, ठीक है। चीज़ें आपको सिखाती हैं। मैंने जो खोया, मैंने अपनी वालदा को खोया, ठीक है। तो आपको भी आइडिया होगा, आप मेरे साथ रह चुके हैं उस टाइम में, ठीक है। और मेरे जितने भी दोस्त उन चीज़ों से रिलेट करते हैं कि मैं कभी किसी के लिए रोया नहीं, मैं अपनी 6 साल की मोहब्बत के लिए भी नहीं रोया, मैं अपने 2 साल की मोहब्बत के लिए भी नहीं रोया, लेकिन जब वालदा गुजरी ना तब तो मोहब्बत एक साथ। हाँ यार मोहब्बत आप ब्रेकअप आपको सिखाती है चीज़ें जी, ये तो ब्रेकअप आपको चीज़ें सिखाती है। आप जिंदगी में PhD कैसे करते हो, इसी तरीके से जिंदगी से सीख सीख। तो जब मैंने अपनी वालदा को खोया ना, तो वो टाइम मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स वाली थी, और मैं काफ़ी अपसेट था, काफ़ी परेशान था इन चीज़ों को लेके कि यार मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा। करते 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 अल्लाह ने मुझे तो कुदरती तौर पे एक सब्र दिया, और जब सब्र दिया तो मुझे ज़िंदगी का मतलब समझ में आया कि नहीं यार ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी के जाने से। मुझे फिर वहाँ से समझ में आया कि यार अब देखें ना, एक कॉमन सी बात है कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। एक माँ और एक बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं। माँ और बाप की मोहब्बत ऐसी है जो सिर्फ देर ही होती है कि भैंस क्या कहते, तुझे देर है तुझसे लेंगे क्या, ठीक है। इसी बात पे एक बात मुझे याद आई कि अभी के जो लौंडे हैं, जितने भी लड़के हैं, वो जब मोहब्बत कर रहे होते हैं, उनके लिए एक जुमला याद आया था मुझे कि यार अपने बात पर बात ही मुझे यकीन करें, आप क्लास के बारे याद कर रहे हैं भाई, आप क्या फेंक रहे हो? जब गर्मी लग रही है तुमने AC ऑफ किया हुआ, अपना दिमाग खराब, पंखा चला दो पर अब आवाज़ आएगी पंखे की, क्या उतार के फेंका यार मैंने। अच्छा अच्छा हाँ, तो हम आप अचानक मुझसे सवाल करने लग गए यार,
यार देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, मोहब्बत का हिसाब मेरी मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत लाइन है ठीक है, और वो लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत टची हूँ उस लाइन से कि मेरी मोहब्बत का, मेरी मोहब्बत बेहिसाब थी, मुझे मेरी मोहब्बत का हिसाब लगाना पड़ा, मेरी मोहब्बत बेहिसाब थी, मुझे मेरी मोहब्बत का हिसाब लगाना पड़ा कि जैसा तेरे बात था वैसा मुझे नजर आना पड़ा। ये उन लोगों के लिए कि यार हर की गिरफ्त में ना कुछ हरामी लड़के होते हैं जो आपको एक डीमोटिवेट करते हैं या फिर मोटिवेट भी कर रहे हैं आप एक तरीके से कि मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार देख राजीव भाई तू जैसा भी है ना, तू अपसेट है, अंदर से दुखा हुआ है, तेरा दिल टूटा हुआ है, पर तुझे स्टोरी में चिल करनी है, तुझे लोगों को प्रटेंड करना है, तू प्रटेंड भी गुड बहुत हैप्पी है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यार ब्रेकअप को लोग काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, पर जिनके साथ ब्रेकअप होता है ना, जिनके साथ ये मामला होते हैं उनके लिए काफी हेवी होता है, क्योंकि सिर्फ वही इन चीजों को समझ सकते हैं कि अगले बंदे से किस कदर क्लोज थे। ये तो हकीकत है। और बहुत खूबसूरत बात है कि यार बुरे वक्त बहुत देखे मैंने, अच्छे वक्त भी देखे मेरे, अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि अब मेरे साथ अच्छे वक्त है, ऐसे ऐसे इंशाल्लाह कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, आप भी लगे पड़े हैं जी जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कि अल्लाह आपको भी अच्छा वक्त दिखाए, तो आ जाएगा इंशाल्लाह, पर वक्त और हालात से मैं गुजर रहा हूँ भाई, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि अल्लाह वो मेरे दुश्मन को भी ना दिखा, आपको मेरी स्टोरी शायद बहुत अच्छे से घर की हालत बहुत खराब थी, बहुत लोअर तबके से आया, बहुत ज़्यादा लोअर तबके से आया, हमारा एक सैड रियलिटी बताता हूँ मैं आपको अपने बारे में ना, कि हमारा एक कमरे का घर था जी जी, अभी जो आपकी ऑडियंस सुन ली, जो आपकी फैमिली सुन ली, उनको शायद काफ़ी अजीब लगे, क्योंकि अभी जो आपकी फैमिली उन्होंने मेरा अभी का घर देखा, मेरा बड़ा वाला घर देखा, मेरा छोटा घर नहीं देखा ठीक है, हमारा बड़ा घर था, कुछ मामला हो गए थे, फिर वो टूटा, फिर वो खर्च आया हो गया, हम फिर छोटे घर पर चले गए, एक कमरे का घर था हमारा, और उसमें कुछ लोग ऐसे आते थे ना जो चाय में बिस्किट की जगह हमारी इज्जत टोकते थे और चले जाते, आज भी वो लोग आते हैं, और जब आते थे ना उनके अल्फाजों में तंज हुआ करता था उसको, ये तेरा घर, एक कमरे का घर, यकीन नहीं करेंगे छिप भाई, जितना बड़ा आपका स्टूडियो है ना जी जी, इतना बड़ा हमारा एक कमरा था, और इसी के साथ जो ना हमारा किचन था, उसके पड़ोस में फिर हमारा वॉशरूम था, फिर आगे मेन गेट था, और काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ थी हमारी, तो लोग आगे तंज किस तरीके से करते थे कि यार ये घर है तुम्हारा, इससे बड़ा तो हमारा लॉन्च है, इससे बड़ा तो हमारे बच्चे का कमरा, तो इस तरीके से तंज करते थे हमें आगे, तो उस वक्त मैंने एक लाइन लिखी थी कि मेरे घर को अपना कमरा बताने वाले अब नज़रें छुपाते हैं, नज़रें चुराने वाले, दो चार ही सही दुश्मन तो मेरे भी हैं, दो चार ही सही दुश्मन तो मेरे भी हैं, जब से नजरों में रखे हैं नजरें छुपाने वाले, वाह क्या घर को अपना कमरा बताने वाले, ये उन लोगों के लिए देखें ये परमानेंट है मेरे दिल में जी, जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी जिंदगी में जो आपके दिल में परमानेंट रह जाती है जी जी, और वो चीज़ें परमानेंट है मेरे दिल में, आज जो भी हूँ आज यकीन नहीं करेंगे लोग मुझे ढूंढते हैं, और अभी रिसेंटली की बात है कि अभी अल्लाह ने इज्जत दी इंस्टाग्राम पे, अचानक से मैं वायरल हुआ ठीक है, यही कोई अच्छा मुझे ज़्यादा की चाहत भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कम मिले पर सुनने वाले थे, और ऐसे सुनने वाले मुझे 200 लोग चाहिए, अभी जैसे मेरे 3,000 लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, और कोई ह्यूज अमाउंट नहीं है, अब यहाँ औरंगी के अंदर ही हम औरंगी से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली को पता ही होगा, आपकी यूट्यूब फैमिली को पता ही होगा, हम औरंगी से बिलोंग करते हैं, तो औरंगी में बहुत से लोग ऐसे जिनके 5,000 सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह आपके 5,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं माशाल्लाह से, तो हाँ प्रमोशन कर लिया हमने, हाँ प्रमोशन कर लिया हमने ये आपके लिए, तो प्रमोशन की बात नहीं पर एक रियलिटी है, हमने ये चीज़ें अफोर्ड किया, अब मेरे 3,000 सब्सक्राइबर कैसे हुए, 3,000 फॉलोअर कैसे हुए मेरे, बहुत सिंपल सी स्टोरी यार, मैंने अपनी चीज़ें वहाँ पर पेश करना शुरू की, मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया, मेरे शेर व शायरी छाते हुए, मैंने 2 लाइन पोएट्री वगैरह लिखता, मैं गज़ल पढ़ता हूँ, गज़ल को भी जो लाइन मुझे मैं जिस लाइन से रिलेट कर सकता ना वो लाइन लिख के मैं अपनी स्टोरीज में पोस्ट करता था, तो वहाँ से फिर कुछ लोगों ने उस चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दिया, मैं वहाँ से वायरल होने लगा, अभी हाल फिलहाल रिसेंटली मेरा एक रील काफ़ी वायरल हुआ था, उसको माशाल्लाह से 10,000 या 11,000 व्यूज ठीक है जी मैंने देखा, हाँ तो अच्छा वो सडनली हुआ अचानक, और उसके बाद से मेरी फॉलोअर्स रीच बढ़ी है, तो एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, अब
हो जाता है, आप फेम को आपके सर पे नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि जो भी मिलता है ना आपको वो खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से। जैसे मुझे 3,000 फॉलोअर मिले हैं, अगर मैं इन पर काम करना छोड़ दूंगा, मैं अपनी चीज़ें हाँ ठीक है बस मुझे मिल गया, मुझे फेम मिल गया, तो अगर मैं जो वर्क कर रहा हूँ मैं वर्क करना छोड़ दूँगा तो ये चीज़ें मुझसे छीन भी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो देता है मेरे लिए वो डाइनिंग टेबल आज भी लग्जरी है। ऐसा नहीं है कि डाइनिंग टेबल अफोर्ड नहीं कर सकते, डाइनिंग टेबल अफोर्ड कर सकते घर पर खरीदे, लेकिन नीचे बैठ के जो खाना खाने का मजा है ना, ये हकीकत वो डाइनिंग टेबल को मैं उस लिहाज से बोलता हूँ, डाइनिंग टेबल अभी भी मेरी लग्जरी है, वो उसके अंदर डाइनिंग टेबल है, ये बढ़ाने वाली बात नहीं यार, डाइनिंग टेबल खाना खा रहा, डाइनिंग टेबल नाश्ते कर रहा। तो हम डाउन टू अर्थ रखने के लिए अपने आप को हम जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, प्रेफर भी करते हैं कि जमीन पर बैठ के ही खाना खाते हैं। हाँ तो शेख भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरे जहन में एक सवाल आया कि जिस लाइफ स्टाइल से मैं गुजरा हूँ उस लाइफ स्टाइल से आप भी गुजरे हो, आपने मूव ऑन किया है, आपकी ब्रेकअप की क्या स्टोरी है, आपने अपने यूट्यूब फैमिली को बताया कि आप भी किसी के साथ रिलेशन पे रहे हो? नहीं, तो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही है, मैं कोई पोट्री वगैरह तो लिखता नहीं हूँ, बस कुछ लाइंस है, गिर गया है पर्दा तो रहने दो, भर गया है जख्म तो जाने दो। वाह क्या लाइन है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो कुछ ऐसा हुआ था, आपने अभी कहा ना बीच में कि बचपन का प्यार बचपन में ही अच्छा लगता है, तो मैं कहना चाहता हूँ 18 का प्यार 18 में अच्छा था, अब 22 का प्यार 22 में अच्छा है। अभी तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, पहले था, ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो मैं अपनी YouTube फैमिली को बताना चाहता हूँ, अभी 1 वीक पहले फैदी भाई मैसेज आया ना WhatsApp पे, कुछ मैसेज ऐसा था, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो। उस टाइम में जब मोबाइल उठा के देखा अपने WhatsApp पे, आई डोंट नो उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, बट मैं एक डिप्रेशन होता है ना जो बंदा 2 साल में गुजारता है अपनी मोहब्बत में, तो मैं सोच रहा था यार मैसेज सीन करूं या नहीं करूं, लेकिन उस टाइम मैंने मैसेज सीन नहीं किया, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपना काम कर रहा था लैपटॉप पे, तो रात को काम करते करते 3-3:30 हो जाते मुझे, तो लाजमी मैं 10-15 मिनट यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखता हूँ ताकि माइंड फ्रेश हो, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो मैं अरिजीत सिंह जो इंडिया के काफ़ी फेमस सिंगर हैं उनका मैं एक सॉन्ग सुन रहा था, उसमें कुछ लाइन ऐसी थी कि सच्चा मोहब्बत वही है जो मिल ना सके। तो मैं अचानक से उसका मोबाइल उठाया, अपना मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला और उसका मैसेज सीन कर लिया। तो मैं उसको मैसेज का रिप्लाई करने ही वाला था, फिर मुझे ख्याल आया नहीं शिवी तूने मूव ऑन करना सीखा है, आज तू आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़, पीछे मुड़ के नहीं दे, वरना फिर वापसी उसी डिप्रेशन में चले जाएगा। मैं अपना मोबाइल रख दिया और फिर उसके बाद मैं लेट कर सॉन्ग सुन रहा था, तो ये कुछ लाइन मुझे आई, ये किसी की को भी राइट नहीं है, ये मेरी अपनी लाइन्स है जो मैंने अपनी डायरी में कैप्शन किया था। मेरी मोहब्बत ठुकरा कर गई हो ना किसी और के पास, मेरी मोहब्बत ठुकरा कर गई हो ना किसी और के पास, अब मेरी कामयाबी देखकर क्यों आई हो मेरे पास। वाह क्या बात है यार, बहुत बेहतरीन। तो आपने ये किस जोन में जाके लिखा मुझे ये? और मैंने कुछ लाइन और लिखी थी, तुमने की दोबारा किसी और से मोहब्बत, जब उसने ठुकरा दिया तो क्यों आई हो मेरे पास। वाह। और कुछ लाइन ऐसा था, ये सोच कर आई हो कि करता है मोहब्बत कर लेगा दोबारा कबूल, ये सोच कर आई हो कि करता है मोहब्बत कर लेगा दोबारा कबूल, मेरा नफ्स ये गवारा नहीं करता कि मैं दूं धोखा किसी और को और तुझे करूं अपने निके में कबूल। ये कुछ लाइन मैं खुद लिखा था उसके लिए। तो आपकी जो बात मैंने सुनी ना उससे मुझे एक बात समझ आई, मैंने उस पर एक लाइन भी लिखी थी, मेरे साथ ये मामला हो सकते हैं, उसमें लाइन लिखी थी, जिंदगी में जिंदगी रही तो जिंदा रहा, जिंदगी में जिंदगी की प्रायोरिटी रहती है ना, जो आपकी एहसास होती है कि जिंदगी मिलनी चाहिए मुझे, आपकी जो फर्स्ट ही चीज़ चाहत होती है जिंदगी की, जीने की चाहत जो तो वो उस वक्त होती है जब वो मेरे साथ आपके साथ रहती, तो आपको फिर उस चीज़ की अहमियत आया। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो ना लगे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों की अहमियत का पता होता है जब वो साथ में होते जी। तो इस पर पहला लाइन का, इसका सेकंड वर्स मैंने फिर ये लिखा था कि न तू मिला सकूँ मिला पढ़ सकता,
मतलब अच्छा है तू नहीं मिली, मुझे पीस ऑफ मेंटल तो मिला कि हाँ भाई तू नहीं है ना। उस स्टेज पे मैं तो अपने आप को खो दिया था ना, मैं सारी मेहनत सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आप को खो चुका हूँ। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि तू नहीं है तो मुझे सारी चीजें हैं, अपनी तो कंडीशन चल रही थी ना उस टाइम पे कि हाँ भाई मेरे पास अभी मुझे जो अपनी लाइफ लेकर आएगी तो मैं उसको जो देना चाहता था वो मेरे साथ पास सारी चीजें, पर जब वो नहीं रही ना तो फिर मुझे सुकून मिला है, मेंटली सुकून मिला है। उस नुक्ते का जिंदगी बर्बाद हो जाती कि मेरे कल का फैसला तू आज कर दे या तो मेरी हो जाए फिर मुझे बर्बाद कर। ये लाइन मेरी लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये मैंने किसी के लिए लिखी थी जो आज हमारे मेहमान होने वाले थे पर किसी वजह से हमारे साथ आ नहीं सके। ये बात मैंने शबाज़ भाई के लिए लिखी थी, अपने बहुत अजीज दोस्त थे मेरा। ये लाइन मैंने उसके लिए लिखी थी कि मेरे कल का फैसला तू आज कर दे या तो मेरी हो जाए फिर मुझे बर्बाद कर। थोड़ी ना यार नहीं, ये लाइन मैंने उसके लिए लिखी थी, मतलब उसकी ज़िंदगी को देख के लिखी। उसके साथ ही बहुत सारे चैप्टर हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी अगर वो नेक्स्ट टाइम फ्री होगा ना तो मैं आपसे दूसरी मीटिंग बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप एक फोटो उसके साथ करें, लोगों को मुझसे ज़्यादा उसको सुनने में मज़ा आएगा। उसकी वजह ये है कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है, मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, मेरा दिल दिमाग भरा पड़ा हुआ है लेकिन मैं खुल नहीं सकता। उसकी वजह ये कि उन बातों में फिर लपेट में मेरे कुछ अपने भी आ गए, अपने से मुराद सो कार्ड अपने, तो वो लोग भी आ जाएंगे और फिर बाद में वो मेरे घर पे मैसेजेस आएंगे कि ऐसा कर दिया तुमने, ऐसा क्यों बोल दिया तुमने, ऐसा क्यों बोल दिया। तो हमारे जो घर का जो ग्रुप बना होता है कि हर किसी के घर का एक ग्रुप होता है ना खानदान का, तो जो खानदान का ग्रुप होता है उस खानदान के ग्रुप में फिर वो बातें चल रही है, देखो ये यूट्यूब पे आया उसने ये बातें कर दी हमारे बारे में, उसने ये बातें कर, फिर मैसेज आएगा वो मैसेज, फिर वो फिर हमारे मेरा अब्बा जान मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, अब पता वो बातें चल रही हैं, पता वो बातें चल रही हैं ना, फिर मेरे बहुत मोहब्बत करते हैं ये बात सुनेंगे ना बात है उनको, फिर देखना अपनी फैमिली को लेकर चलना, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखिए मुंह कॉल करना आपको आना चाहिए जी, ये तो मोबाइल बहुत ज़रूरी है और आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको कोई और नहीं सिखाया, ना मेरी बातें ना किसी की बातें ना किसी की जिंदगी ना किसी का अपनापन ना किसी कुछ भी, पर आपको मूव ऑन कौन सिखाएगा, आपको अपना दिल सिखाएगा कि आपको खुद कैसे मूव ऑन करना। लड़के ब्रेकअप के बाद जो है ना अभी के जो यूथ है अभी के जो लौंडे जो हमारी एज से बिलोंग करते हैं ब्रेकअप के बाद वो चले जाते हैं दो ही जगह, या तो मस्जिद या फिर जिम। ठुकरा के मेरा प्यार नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए ये तो फिर एक आप फिर अलग वे में चले जाते हो, पर जिम और मस्जिद ठीक है। जिम में यही होता है कि आप फिर आप जब जिम जाते हो ना तो आपको फिर पता होगा कि हाँ यार आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप अपने आप को देखते हो, क्योंकि आपने जो टाइम लगाया ना उस वक्त आप सब कुछ भूल के आप सब कुछ भूल के जो ना फिर आप अपने आप को देख रहे होते काफ़ी टाइम के बाद ठीक है, तो आपको फिर अपनापन महसूस होता खुद से। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करोगे ना आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, आपको अपने आप से पहले मोहब्बत। और जो लड़के मस्जिद के अंदर चले जाते हैं उनको फिर ये इमोशनली टच आता है उनका, कि इमोशनली टच इसलिए आ से आता है कि अब मैंने जहाँ जिससे मोहब्बत की स्टार्ट की है वो मुझसे कभी वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। ये तो कुरान में मैंने खुद का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुसलमान देते मेरा इस बात पर यकीन है कामिल यकीन है कि अल्लाह हमें धोखा नहीं देता, हम जितने ही बदकार हैं पर वो हमें धोखा नहीं देता ठीक है, वो हमारी मोहब्बत का रिटर्न हमें मोहब्बत में ही देता। तो अब देखिए ना एक जेन्युइन सी बात है, अगर कोई लड़का या लड़की जस्ट सपोज मैं अगर आज से चार साल पहले वाले रिलेशन पे चला जाऊँ, तो चार साल पहले वाले रिलेशन पे अगर जाने के बाद चार साल पहले एज पे जाने के बाद अगर मैं किसी रिलेशन पे आता हूँ फर्स्ट डे आके मुझसे पूछ ले कि खुदा कौन, अगर कोई लड़की मुझसे ये सवाल करे खुदा कौन मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊँगा, कौन सी बात है कि अरे ये कौन सा सवाल आ गया अभी अचानक से, अभी तो मैं इससे बात करने में लगा हूँ, अभी मुझे इसके लायक और पसंद का भी नहीं पता मैं कैसे जवाब दूँ इसको, ये पता नहीं कोई माइंड गेम खेलने के साथ। और जो एंड होता है ना एंड टाइम होता है रिलेशन का जो कयामत बर्पा होती है जुदाई का वक्त होता है ओ हो उस वक्त किसी लड़के से पूछ लो ना तो खुदा कौन, वो लड़का पता छुट्टे का जवाब देगा, अगर वो लड़की उससे सवाल करेगा खुदा कौन है तो लड़का उससे छुट्टे का जवाब देगा, पता खुदा वही जिसने मुझे रास्ता दिखाया जो मुझसे अलग कर, क्योंकि आप भरे पड़े हो ठीक है। रहने को आप मोहब्बत करते हो, आई से अच्छी बात है आप मोहब्बत करते हो, लेकिन बहुत सी जनरेशन अभी ऐसी है ना
कि मोहब्बत तो करती है, लेकिन वो मोहब्बत के ख़त्म होने के बाद उसको फिर बदनाम कर देती है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक का बात करना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मेरी नहीं भी तो मैं किसी की नहीं होती, कि हुए थे बर्बाद अब करेंगे भी जो बर्बाद हम, ये वाला सिर्फ किसी के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं चली एक चीज़ नहीं चली सिंपल है, चलती तो अच्छी बात है, नहीं चली तो सही है, फिर अल्लाह ने बोला कोई चीज़ें रखी हैं आपके लिए। आप प्रदीप भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने पहली बात तो ये कि यार आप बीच बीच में मेरी बात कर लेंगे। खैर अब आपका सवाल है, आप सवाल कर रहे हैं। आपकी 6 साल की रिलेशन थी आपने जैसे हमें अभी बताया, और 2 साल की रिलेशन थी, इसकी एंड कैसे हुई आपके साथ? क्या मामलात हुए थे जो आपको रिलेशन ख़त्म करना पड़ा, या उनके तरफ से रिलेशन ख़त्म हुआ या आपकी तरफ से रिलेशन ख़त्म हुआ? देखिए अगर आप 2 साल वाली बात कर रहे हैं ना, तो और जब हम बच्चे होते हैं ना, टीनेज जो होते हैं, उस अट्रैक्शन को हम मोहब्बत समझ लेते हैं। ठीक है, तो मोहब्बत में, अट्रैक्शन में, प्यार में, इश्क में फर्क है। ठीक है, और ब्रेकअप आपको चीजें सिखाती है, सबसे बड़ी बात आपको मूव ऑन करना सिखाता है, आपको चीजें बताती है कि देखो तुमने ये नहीं करना। तो मेरे 2 साल की रिलेशन थी, उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। मैं हर चैप्टर को ना एक तरीके से ज़िंदगी का चैप्टर है, होमवर्क है। ये लड़का पिछले 8 साल से अपना होमवर्क करके आया, तभी जाके इतनी चीज़ें मिली हैं मुझे। तो सिंपल सी बात है शुएब भाई के होता है। अब 2 साल की रिलेशन क्यों ख़त्म हुई, वो अट्रैक्शन थी उस टाइम। मैंने फिर उसको यही बोला था कि यार ये वर्कआउट नहीं करने वाला, ये नहीं चलेगा हमारे बीच, बस इतना ही था। इतनी हद तक मोहब्बत अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो क्लास 4 की लड़की भी मुझे पसंद आई थी। स्कूल लाइफ की बात है, स्कूल लाइफ में हर किसी का करा जी जी। तो स्कूल लाइफ में क्लास 4 में ही मुझे वो लड़की पसंद आई थी, तो वही सोचा था मैं स्कूल बीवी तो यही बनी थी। 6 में भी यही हुआ। अब जैसे जैसे हम जुड़ते गए लोगों से, नए लोगों से, हमारा अट्रैक्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर हम मोहब्बत को आगे कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन जब लास्ट टाइम जो हमारी मेरा जो लास्ट टाइम ब्रेकअप हुआ अभी तो 1 साल हो गया बात है। उसके बाद फिर मूव ऑन करने के लिए मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान टूर पे लेके गए मुझे कि चल बाहर निकल, बहुत रह लिया मुझे चंपे कर रहा है लोगों ने। लिटरली मैं सच कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी अपसेट था कि क्या यार क्या ज़िंदगी है, ये हो गया मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। पर मेरे दोस्तों ने मुझे उन चीज़ों से खींचा, मुझे बुद्धि मारा, बुद्धि में उन्होंने चमाटे कराए मेरे। ये कुछ दोस्त होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने मैं चमाटे कराया। बट बाहर गया था जिंदगी में क्या रहेगा, चल पैक पैक कर निकलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर। मैं बाहर तो बाहर पाकिस्तान पूर किया हम लोगों ने सेंट की, और वहाँ से फिर हम घूम कर वहाँ से हमें चीज़ें मिली, वहाँ फिर हमें समझ में भी आया कि यार मुझे जो सबक मिला अपने टूर पर, मुझे सबक मिला कि जब आप टूर पर निकलते हो ना, आप किसी सफर पर निकलते हो, तो आप एक्स्ट्रा पैकेज अपने साथ नहीं रखते, एक्स्ट्रा सामान आप कैरी नहीं करते। तो ज़िंदगी में आप एक्स्ट्रा सामान क्यों कैरी करना चाहते हो? आप आए अकेले हो, जाओगे अकेले, ठीक है, बीच का जो गैप है ना आपका, उस पर लोग जुड़ेंगे भी और कटेंगे भी। जो जुड़ता है उसको सुभान अल्लाह, बिल्कुल, जो नहीं जुड़ता, जो कटना चाहता है उसको खुदा खुदा। किसी के बारे में, किसी के लिए दिल में, अपने दिल में किसी के बारे में बुरा जानना, ये गलत होता है। क्योंकि फिर आप अपने ऊपर बोझ बनना शुरू कर दोगे, और जब आप अपने ऊपर बोझ बनना शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यार ज़िंदगी के सिर्फ ब्रेकअप से मूव ऑन करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से निकलना लाजमी है। फर्स्ट यू ब्रेक देम देन यू मेक देम, जब तक टूटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। इंग्लिश आई फटाफट मैंने बोल के निकल जाती कौन मेरा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तक टूटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, बिल्कुल हकीकत है। अब मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको ज़िंदगी किसी मकाम पे पहुँचना है ना, तो आपका ब्रेकअप होना चाहिए। दिल टूटने की बात नहीं, आपको हारना ज़रूरी है, क्योंकि हार के ही जो बनता है वो सिकंदर कहता है, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो सिकंदर उसी वक्त बनता है जब आप हारते हो, आपको हार से सबक मिलता है, ठीक है। अब जैसे मैं, आपने ये सवाल पूछ लिया मेरा, अब मेरी जो 6 साल की रिलेशन थी वो क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, तो कैसे ख़त्म हुई ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। लड़कियों के पास एक एज मौजूद रहता है, आपको ही पता होगा कि लड़के कब से स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। लड़के स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं जब आप लड़की से कह देते हो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लड़की का स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हो गया।
और लड़कियों का स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो घर पे बताती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं जी जी, ठीक है, लेकिन लड़कों का स्ट्रगल ज्यादा होता है। क्यों स्ट्रगल होता है? कि भैंस के नाल हमने जो चीज़ें वो लेकर आती है ना अपने घर से, गाड़ी, पैसा, दौलत, फैमिली का प्यार, ऐश आशाइश, आराम, लग्जरी लाइफ, वो हमने उसको देना है। वो भले उसके लिए 8 साल की मेहनत हो या 6 साल की मेहनत हो, एक यूज टाइम की मेहनत की बात कर रहा हूँ। 8 साल 6 साल बहुत यूज टाइम होता है। 2 साल की भी टाइम ले लो तो 2 साल में वो लड़का लगा रहता है कि हाँ यार चल मैं से मोहब्बत करता है, इसको लग्जरी लाइफ देनी है। तो अब लड़की के पास एज क्या होता है इस चीज़ में कि वो 8 साल की मोहब्बत को भी एंड में क्या बोलती है, घिसा पिटा एक कभी किताबी जुमला, क्या अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, हकीकत है यार। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये नहीं कि मैं लड़कियों को गलत कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ तमाम गर्ल्स को। यार अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है ना कि यार लड़कियाँ घर वाले नहीं मानते, घर वाले तो आप अगले की फीलिंग के साथ मत खेलो। सिंपल है, आप स्टार्टिंग में कह दो कि हाँ यार ये चीज़ें हैं प्रायोरिटी में, ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तुम अभी बता दो, मैं घर पर बात नहीं कर सकती, ना तुम्हारी लाइफ खराब होगी ना तुम्हारा टाइम ज़्यादा होगा। कोई अगर आगे मुझसे पूछे ना कि फैजी भाई तुम्हें जो 6 साल की रिलेशन है वो क्या चाहिए, मैं ये कहूँगा कि यार भैंस का मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मुझे वो 6 साल चाहिए जो मैंने उसके पीछे अपनी दबा हकीकत है। ये चीज़ वो चीज़ें मुझे ला के दे दो, वो टाइम्स मुझे ला के दो मुझे, क्योंकि यार एक सिंपल सी बात है कि टाइम इज मनी और मनी वी डोंट हैव। पैसा अपने पास है तो अपने पास जो पैसा है वही दौलत है, जो टाइम है वही दौलत है। तो दौलत को ज़ाया करने से अच्छा है कि हम कहीं पर सर्व कर लें। अगर हमें पैसा मिल जाए ना तो हम पैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब टाइम नहीं होगा तो हम क्या कर सकते। कोई अगर मुझसे ये सवाल करे कि यार अरे भाई आपको उन 6 साल में क्या चाहिए, वो लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो टाइम चाहिए जो 6 साल मैंने उस लड़की के पीछे ज़ाया किया। इन दी एंड मेरा ऐसे ही हुआ कि उसके घर में उसके घर वालों ने मना कर दिया, और वो हमारे रिलेटिव नहीं थे, काफ़ी दूर के रिश्तेदार थे। जब वो उसके साथ जा रही थी तो मैंने ये लाइन उस वक्त लिखा था, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारा रिलेशन ख़त्म हुआ था तो मैंने जब वो जा रही थी ना, वो जाते थे अचानक पलट के मुस्कुराई, फीलिंग अच्छा मुस्कुराया, और मुझे उससे काफ़ी बातें करनी थी ना, तो मुझे उससे काफ़ी बातें करनी थी कि मिल जाओ मुझे एक दफ़ा, भाई हम तो ठहरे औरंगी वाले, मिल बच्चू एक दफ़ा, तुमने मेरा 6 साल जाया किया। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं था, पर अच्छे एंड पे ख़त्म होने के बजाय उसने मुझे औरंगी वाले नहीं पूरे कराची वाले, कराची वाले की बात कर रहा, पर उसने मुझे एक जहन पे टेंशन दे दिया, एक तंजिया हंस के गई। तो मैंने उस पर एक लाइन लिखी थी कि जा रही तो जा बता दे अपने मुस्कुराने की वजह, जा रही है तो जा बता दे अपने मुस्कुराने की वजह, कि तेरे बाद लोग पूछेंगे कि फैजी ऐसा सच में हुआ था क्या। क्योंकि यार वो जाते हुए मुस्कुराई, भैंस क्या उसकी आँख में दर्द होना चाहिए, उसकी मोहब्बत जा रही उससे, पर वो मुस्कुरा के गई। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो मुस्कुरा के क्यों गई, एक टेंशन देकर चली। हाँ, ये टेंशन एक अजियत देकर चली गई मुझे कि यार ठीक है, हाँ ठीक है, वो हंस के चले गए, ठीक है हंस के चले गए। पर अभी कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते भी कि यार कभी भाई आप तो आपकी बात होती होगी। हाँ वैसे सोशल मीडिया में तो आपका इंस्टा में आपकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मैंने उसको इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया था। क्यों? अब वो चीज़ देखना नहीं चाहते भैंस के डांग इसको बुला ना सके। अपन ठहरे सख्त, ठीक है। अब जाकिर भाई का भी एक बहुत मशहूर है सख्त लोन में, जहाँ पिघलना नहीं है अपने, वही हिसाब है। तो दूसरा ये है कि उन्होंने एक बहुत गलत जुमला कह दिया, हक से सिंगल। मैं पता नहीं मैं किस हक से सिंगल हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस हक से सिंगल हूँ। हाँ शायद ये हक से सिंगल हूँ कि यार मेरा हकदार कोई और है, ठीक है। इसी तरीके से फिर जिंदगी से बहुत रहती है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप अकेले नहीं आए थे, आप अकेले आए थे पर अकेले जाओ नहीं पाए, अल्लाह ने आपका हम सफ़र बना के दिया। किसी को बदनाम करके, किसी की इज्जत को बर्बाद करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अभी की जनरेशन को इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है, कि नहीं मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, आप मूव ऑन करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। मोहब्बत है तो आप उसको इज्जत देना सीखो। मोहब्बत जो सबसे पहली चीज़ मांगती है वो इज्जत मांगती है। अगर आप मोहब्बत में किसी की इज्जत कर रहे हो ना तो आपकी मोहब्बत सच्ची है।
ठीक है, आप मोहब्बत में इज्जत नहीं करते तो फिर वो मोहब्बत किसका है? एक छोटा सा जुमला हो उसके बाद फिर आप कुछ जो सवाल करना आप कर लेना, कुछ बातें करनी आप कर लेना। कि अभी की जो यूथ के साथ मसला है ना, पहला मसला तो ये है कि हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर कोई लड़की ठुकरा दे तो फिर वो हम अपने दिमाग पे लेते हैं उसने मुझे कैसे ठुकरा दिया। आपकी मर्दानगी पे एक सवाल हुआ कि यार मुझमें ऐसी क्या कमी है। हमारे घर वाले हमें हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, जितना सिखा रहे होते हैं किससे कैसे लड़ना है ये भी सिखा रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई हार को फेस करना नहीं सिखाता। हार को फेस करने के बाद अब जब आप हारते हो ना तभी आप जीतने की कोशिश करते हैं। हार के फेस, हार को फेस करोगे तो हार लाजमी है, लाजमी है, ठीक है। अब हार को फेस करने के लिए भी आपको, आपको घर वालों को आपको एक तरबियत देनी चाहिए कि हाँ बेटा हार कोई बात नहीं। अभी एक बटन बचपन से एक लगा हुआ आता है जब हम पहली क्लास में होते कि मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आना तुझे, फर्स्ट आना तुझे, फर्स्ट आना, ठीक है नहीं आया नहीं आया उसकी दिलचस्पी नहीं है, नहीं वो सेकंड आ गए। अब जैसे मैंने कॉमर्स किया, मैंने आई कॉम किया हुआ है तो मुझे मेरे खानदान वालों ने प्रेशर किया कॉमर्स कर, मेरा दिल नहीं था फिर भी मैंने कर लिया। अब वो मुझे गलती फील होती कि मैंने क्यों कर लिया, मुझे आर्ट्स करना चाहिए था, मुझे शुरू से लिखने का शौक था, अगर मैं आर्ट्स कर लेता तो आज मेरी नॉलेज और ज़्यादा होती, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझते बच्चों को, समझना चाहिए। पर जो पैटर्न हमारा चलता हुआ आ रहा है ना बच्चों के मामले में, उस पैटर्न को चेंज करना लाजमी है, ठीक है। अब उस पैटर्न को चेंज करने के लिए हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अभी की जनरेशन क्या मान रही है, क्या मान, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अभी की जो लौंडे हैं, जो हमारे यूथ हैं, हमारे यूथ के जो भी लौंडे हैं, वो शादी के बाद एक बीवी नहीं मांगते, ठीक है। वो चाहते हैं कि अच्छा दोस्त मिल जाए, एक अच्छा दोस्त मिल जाए ताकि उनके साथ फिर ज़िंदगी हंसी खुशी मिल जाए। लेकिन अब घर वाले क्या सोचते हैं कि यार घर संभालने वाले थे जितना कुछ आए तो खाना गर्म कर देंगे, खाना गर्म नहीं तो मर्द सवाल करें कि खाना गर्म क्यों नहीं, चाय गर्म क्यों नहीं। आपको मैनेज करना पड़ता है, अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है ना आपको तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। वो औरत है, औरत की ज़िंदगी काफ़ी मुख्तसर है यार, चार दीवारी के अंदर उसका घर है, ठीक है, बाप से शुरू और एक मर्द पर आगे खत्म। औरत को इज्जत देना, मैं अपनी ज़िंदगी में औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वालिद का एहसान है इस चीज़ पर कि मेरे माँ बाप की तबीयत ऐसी है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह। तो मैं ऐसी इज्जत करता हूँ कि यार उनकी ज़िंदगी कुछ है नहीं, चार दीवारी से शुरू है उनकी ज़िंदगी और चार दीवारी पे ही खत्म। अगर आप उनको उनका हक दे सकते हो तो फिर आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है यार, आप उनका हक देना चाहिए। अगर वो खाना गर्म करके दे देंगे तो उसकी मोहब्बत, आप खाना खुद भी गर्म कर सकते हो। मुझे ये दिखा दो ना कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि औरत ही कपड़े धोएगी, ये औरत ही घर की सफाई करेगी, नहीं है ना ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ। तो हमने ये काम औरतों पर क्यों डाल दिया? अभी की यूथ इन चीज़ों को समझे कि हर चीज़ औरतों के नहीं है और हर चीज़ मर्दों पे भी लाजिम नहीं है। मैं मर्द के अगेंस्ट में ना, औरतों के अगेंस्ट भी, मैं हमारे जनरेशन की सोच के अगेंस्ट में, कि हमारी जनरेशन का सोच चेंज करना चाहिए कि औरतों को वो इज्जत दें जो वो डिजर्व करती है, ठीक है। बस यही बात थी, छोटी सी बात थी, आप फिर करें आपको जो बात करनी है आप सवाल करें। फैजी भाई आज की वीडियो को हम लोग इसी पे एंड करते हैं। देखिए ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद ही ये था कि यार हर कुछ लड़की नहीं होती, कि किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है तो वो मूव ऑन नहीं करता। माशाल्लाह हमारे फैजी भाई ने भी मूव ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उस चीज़ को समझें और मूव ऑन होना स्टार्ट करें। तो मैं फैजी भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फैजी भाई अपनी कुछ लाइन्स, ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं पोट्री वगैरह, तो मैं इनसे कहूँगा कि ये कुछ सुनाते हुए इस वीडियो को एंड करें। देखिए मैं कोई इतना बड़ा लेखक नहीं हूँ और ना ही मैं कोई इतना अच्छा लिख सकता हूँ, आप कुछ चीज़ें हैं मैं अपनी रियलिटी पे लिखता हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं जिससे मोहब्बत करता था ना, वो जो उसका लिखा हुआ उस पर एक लाइन लिखी थी, एक छोटी सी पोट्री लिखी थी, उस पोट्री को आप सुने और समझें आपको शायद पसंद आ जाए। वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो उसमें मेरी रियलिटी लिखी थी। शायरी की स्टार्ट कुछ इस तरीके से, सुनो लोगों सुनने वाला,
उसने पूरा कर लिया जो चाहते उसने। उससे कभी कभी बात हो जाती है, पर देख रहा हूँ मैं रहा उसका, मुझे कोई ना दिखे उसके बगल। हाय इसी साल निकाह है उसका, सात समंदर पार एक ठंडा सा शहर, मुझे कोई ना, उसे कोई ना जाने मेरे तो बगल, मुझसे कोई ना पूछे क्या नाम है उसका, इसी साल निकाह है उसका, इसी साल निकाह है उसका। क्या लाइन थी जेजी भाई आपकी एंडिंग में? तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग फिर कमेंट्स करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तो इंशाल्लाह उनको भी हम लोग बुलाएंगे या कोई आप लोग कोई टॉपिक देंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट करने वाला हूँ। तो जेजी भाई आप एक पॉडकास्ट के बारे में आपको बता दूँ कि ये पॉडकास्ट जो है ना कोई ऐसा हम कोई डिजाइन करके नहीं बैठे ना, कोई स्क्रिप्टेड चीज है, जो हमारे दिल में हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से रिलेट करोगे, क्योंकि यार जनरेशन के आपका ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो यूथ अभी यूट्यूब यूज़ करती है उन तक ये पहुँचेगी ना, तो वो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में वो आप भी कर रहे हो। भले 10 बंदे सुने इन चीज़ों को, 10 बंदे समझे, मेरी नज़र में वो 10 बंदे ही 2 लाख से ज़्यादा अच्छे होंगे जो इन चीज़ों को फेस कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो हमें रीच मिल जाए तो अच्छी बात है, रीच के लिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे रीच नहीं चाहिए, नहीं ऐसा गलत होगा, झूठ बोल रहा हूँ, मुझे रीच चाहिए, तो वो अपनी जगह, लेकिन समझाना मकसद है हमारा सबसे पहला। अगर आप समझ रहे हो इन चीज़ों को, रिलेट कर रहे हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। जैसे पॉडकास्ट हमारे पहला पॉडकास्ट था, फिर लोगों ने मुझे DM किया, स्पेशली शुएब भाई, मैं आपको बताऊँ तो अभी आप शायद हेल्प करें, तो मुझे लोगों ने DM किया कि रदी भाई आपने जो जिंदगी अपनी स्टोरी बताई है, हम उन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं और हम उन चीज़ों से सीख रहे हैं, आपने जिंदगी, आप जिंदगी से लड़ के बाहर निकले हो, तो फिर हम क्यों नहीं निकल सकते। मुझे खुशी मिली कि चलो यार मैं किसी का सहारा तो बन रहा हूँ, मेरी कहानी किसी की स्टोरी, मेरी स्टोरी किसी की जिंदगी बनाने में काम आ रही है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरी यही अल्लाह से दुआ है कि यार मेरे लोगों के काम आ सकता, उसके साथ ही रखा करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है शेखर, आपका पॉडकास्ट से आप खत्म कीजिए, मैं थोड़ी खत्म कर, मैं क्यों खत्म करूँ, मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी। चले इस वीडियो को आज यहीं पे डिलीट करते हैं, दुआओं में याद रखना। फिर भी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।